यूट्यूब ओपन करें, सर्च पर क्लिक करें, लिखे MI स्पेस TCS, सर्च पर क्लिक करें, फर्स्ट चैनल पर क्लिक करें जो अपना है, उसके बाद सब्सक्राइब बेल बटन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमीटेक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ई मित्र अगर आपके पास हैं तो आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, विवाह पंजीयन पत्र के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि SSO ID जो है वो sso.rajasthan.gov.in पर जाना है। उसके बाद आपको अपनी SSO ID जो है वो यहाँ पर डालनी है। SSO ID आप डाल दीजिए, उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए। बायोमेट्रिक डाल जो कैप्चा कोड डालने के बाद आप आ जाएंगे इस पेज पर। तो आपको यहाँ पर वेरीफिकेशन कर लेना है आपका OTP के थ्रू या बायोमेट्रिक के थ्रू, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो आपको सेंट OTP, वैलिड OTP आपके पास आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन उसके पास आ जाएगी। उसके बाद आपको एंटर करनी है अपनी जो OTP है वो, जो आपको मोबाइल पर प्राप्त हुई वो, तो आप एंटर कर दीजिए उसे। उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके पर, तो OTP वैलिडेट को क्लिक करना है। ई मित्रा के ऊपर, ई मित्रा जो आपको SSO ID के अंदर दिख रहा है वो नया जो पोर्टल है उस पर दिख गया है। उसके बाद आपको चेकबुक यस करना है, उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट पर। उसके बाद जो ये डैशबोर्ड है वो खुल चुका है, तो उसके बाद आपको क्लिक करना है यूटिलिटी के ऊपर। तो यूटिलिटी लिख रखा है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। नीचे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर नहीं क्लिक करना है, यूटिलिटी पर क्लिक करना है। यूटिलिटी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नया फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप फ्री सर्च जो है सर्विसेज के लिए कर सकते हैं। तो आपको जस्ट आपको बनाना है मैरिज सर्टिफिकेट, तो आपको मैरिज लिखना है। यहाँ पर देखिए विवाह पंजीयन जो है वो नीचे आ गया है, तो आपको क्लिक करना है विवाह पंजीयन पर और क्लिक करना है ओके पर। ओके पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप पहचान पोर्टल जो ऑफिशियल पोर्टल है जिससे कि आवेदन कर सकते हैं किसी भी सर्टिफिकेट का, बर्थ डेट और मेरी सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पर राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली, राजस्थान सरकार आर्थिक विभाग जो है वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए विवाह पंजीयन जो है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्योंकि अपन ने अप्लाई करा विवाह पंजीयन के लिए। तो यहाँ पर प्रवेश करें पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रवेश करें पर क्लिक करेंगे तो विवाह पंजीयन रिपोर्ट पत्र संख्या 15 जो है वो यहाँ पर आ चुका है, जो कि पहले ऑफलाइन करते थे आप ऑनलाइन प्रक्रिया जो है सरकार ने कर दी है। तो यहाँ पर आप नए आवेदन हेतु, पुराने आवेदन संशोधन हेतु, आवेदन स्थिति सर्टिफिकेट प्रिंट और आवेदन पत्र प्रिंट करने के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम जो है पहले जो नए आवेदन जो है उसके लिए अपन जो है वो फिल करेंगे। तो आपको अब यहाँ पर अपने वर और वधु के जो भी सर्टिफिकेट है या जो भी कोई अगर 10th 12th के जो सर्टिफिकेट या कोई भी वोटर ID, आधार ID जो है उससे रिलेटेड लेकर आपको पूरा जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फुलफिल कर दीजिए और नीचे जो आधार नंबर, प्रमाशा नंबर या ID प्रूफ जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे आधार नंबर सत्यापित करें और डेटा पहचान निर्धारण इस्तेमाल करने में मेरी सहमति यानी कि आपकी सहमति है तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको इंदराज करें पर क्लिक करना है। इंदराज करने से पहले आपको जो वर वधु जो है उसके एक संयुक्त रूप से एक ही फ़ोटो के अंदर दोनों होने चाहिए, यानी कि उनको बोल दीजिए कि आपको जो फोटो है वो खिंचवा ले जिसके अंदर वो दोनों दिखाई देवे। तो उस पर आप क्लिक करते हैं, इंदराज करें पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर दीजिए उसके बाद आवेदन का जिला वगैरह आपको जो भी है वो सब कुछ चयन करना ही हो। इंदराज करने के बाद आपको मिल जाएंगे एक टोकन नंबर आपको और रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर और टोकन नंबर दोनों ही नंबर जो है वो आपको ध्यान से रखने को पर लिख कर रख दीजिए या इसको प्रिंट स्क्रीन कर भी आप अपने पास सेव रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक कीजिए और प्रिंट करके जो पत्र आपने भरा है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आप कुछ दिनों के बाद ये जो है हायर अथॉरिटी के पास जाता है तो वो वेरीफाई करके उसके बाद आपको प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर टोकन नंबर और कोड नंबर डालेंगे जो कैप्चा कोड दिख रहा है। तो प्रवेश करें पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति चल रही है एक्चुअल में आपके सर्टिफिकेट की। अगर कंप्लीट हो गया है तो अगर आपको प्रिंट लेना है तो आपको टोकन नंबर और कोड जो कैप्चा कोड है वो डाल देंगे तो आप उसे आप कर सकते हैं। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसके अंदर कोई फोटो सही नहीं डाला या एड्रेस प्रूफ सही नहीं है तो आप उसे वापस से संशोधन के लिए जानना है तो आपको टोकन नंबर, रेफरेंस नंबर और जो कैप्चा कोड है वो आप डालिए। उसके बाद प्रवेश कीजिए और वापस से उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फुलफिल करनी है और वापस से भेज दीजिए।
अब देखिए कि विवाह पंजीकरण तो आपके क्या आवश्यक दस्तावेज जो आपको जरूरी चाहिए, जिससे कि जो आपके अप्लाई करने से पहले आपके पास होने चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, मतदान पहचान चक होने चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड से आप कर सकते हैं, वर वधु की संयुक्त फोटो जो है 5x3 साइज़ की आपके पास कैमरे से खींची हुई होनी चाहिए, और इसके लिए संयुक्त फोटो होनी चाहिए। उसके बाद शुल्क जो है वो 15 रुपये मात्र लगेगा इसका, ई मित्रा के ऊपर। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा कमीशन जो है वो कमा सकते हैं, विवाह पंजीयन जो है वो आप करवा सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल यू फॉर यू। सो नीचे जो थम्स अप है उस पर क्लिक कीजिए, मेरा वीडियो लाइक करने के लिए शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और नीचे जो रेड बटन का सब्सक्राइब लिख रखा है उस पर क्लिक कर दीजिए, नए और एक्साइटिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपने स्मार्टफोन पर प्राप्त करने के लिए, आगे जो बेल बटन पर आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो गाइज, दिस इज रैप अप टाइम फॉर दिस वीडियो, विल बी सी यू सून इन नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें सब्सक्राइब पर, क्लिक करें बेल बटन पर नए वीडियोस के लिए।